सो गाइस डेली का डेली तो मैं आपको फ्री में रिडीम कोड अर्निंग करने का वीडियो तो बताता ही रहता हूँ, डेली का डेली मैं इसी टाइप का वीडियो लाता ही रहता हूँ। लेकिन आज का जो वीडियो है वो वीडियो काफ़ी कमाल का है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्ले स्टोर में जो आपको प्ले स्टोर में जो रिवॉर्ड मिलता है ना, उस रिवॉर्ड को आप फ्री फायर या फिर यूसी जब किसी का भी डायमंड खरीदते रहते हैं तो उसका डायमंड कैसे फ्री में खरीद पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही कम सस्ते दाम में खरीद पाएंगे। आपको मैं उसको दिखाता हूँ कैसा वो होता है। तो यहाँ पर मैं अपना प्ले स्टोर ओपन कर चुका हूँ। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद मैं आपको यहाँ पर चले आना अपना नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे। तो नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे चले आने के बाद मैं देख सकता हूँ मेरा नोटिफिकेशन था वो आया हुआ, मैं उसे हटा दिया और यहाँ पर मेरा जो ऑफर में ऑप्शन में आ चुका है वो, तो सिंपली मैं ऑफर वाले ऑप्शन पर चले आता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते होंगे 20 रुपीज़ गिफ्ट कार्ड एंड एनी ऐप एंड गेम, इस तरह से करके यहाँ पर बोला जा रहा है। और मैं इसे अगर इसमें यहाँ पर गेट रिवार्ड वाले ऑप्शन पर टैप करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए क्या होता है। मुझे बोला जा रहा है कि आप 20 रुपीज़ ऑफ है आपका कोई भी गेम या फिर किसी भी चीज़ में अगर आप परचेस करते हैं। तो अगर आप फ्री फायर का डायमंड परचेस करते हैं और जैसे कि 80 रुपये में 100 डायमंड परचेस करते होंगे तो आपको वहाँ पर मान के चलिए 60 रुपये पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको 20 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऐसा वाला आपका 180 रुपये का आता है, 140 रुपये का आता है, 40 रुपये का आता है, और फिर आता है इसका में 340 रुपये का आता है, इसमें ज़्यादातर अमाउंट का आता ही रहता है। तो इसमें जो एक बात है ना, आप इसमें एक गलती नहीं कीजिएगा कि आपका जो आता है तो इसे डायरेक्ट अगर आप वहाँ पर अप्लाई कर दीजिए कूपन को, अप्लाई करने के बाद अगर फिर से वहाँ पर से आप रिमूव कर दीजिएगा ना तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। जब यहाँ पर देख सकते हो मैं शॉप नाउ वाले ऑप्शन पर टैप करूँगा तो शॉप नाउ वाले ऑप्शन पर टैप करने के बाद यहाँ पर मुझे बोला जाएगा कि आप किस चीज़ में आप शॉप करना चाहते हैं, ये आपको यहाँ पर दिखा देगा। लेकिन आपको जैसे कि मैं बांध कर चलता हूँ फ्री फायर का बात कर रहा हूँ, तो फ्री फायर में किस तरह से शॉप करते हैं तो चलिए आपको वीडियो में लास्ट बताता हूँ, शुरू से लेकर के लास्ट तक बताता हूँ आप किस तरह से इसमें शॉप कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और इसमें ये भी बताऊँगा अगर आपका ईमेल आईडी अलग अलग है और आपका रिवार्ड किसी ईमेल दूसरे ईमेल आईडी में आया और फ्री फायर में आपको दूसरे ईमेल आईडी शो करा तो उसमें क्या करना है, तो वैसे केस में भी आपको बताऊँगा। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो बहुत बड़ी गलती, तो जल्दी से जल्दी इस लाल वाले बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सामने जो घंटा दिख रहा है घंटा को बजा दो, इससे क्या होगा जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा अर्निंग रिलेटेड या फिर टेक्निकल रिलेटेड तो आपको सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो गाइज यहाँ पर एक बात ध्यान से समझ लीजिए, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पे सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा गलती करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर जैसे मान के चलिए आपका फ़ोन में 2 या 3 ईमेल आईडी होंगे, आप मान के चलिए आपका एक नाम से है, मान के चलिए मोहन नाम से है और आपको एक नाम सोहन नाम से है, यानी 2 ईमेल आईडी है। जब आप फ्री फायर ओपन करते होंगे तो उसमें आपको एक ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड दिखाता है जो आपका फर्स्ट वाला ईमेल आईडी होता है वो। मान के चलिए जो फर्स्ट वाला ईमेल आईडी वो आपका मोहन नाम से है, सेकंड वाला ईमेल आईडी सोहन नाम से है, तो सेकंड वाला ईमेल आईडी में आपका मान के चलिए 20 रुपये 40 रुपये जितने का भी रिवार्ड आया हुआ है वो 40 रुपये 20 रुपये का रिवार्ड सोहन वाले नाम से है। लेकिन आपका जो फ्री फायर जब टॉपअप करते हैं तो वहाँ पर आपका ईमेल आईडी शो करता है मोहन वाला, तो अब क्या करें, तब हम उसको रिडीम कोड का यानी जो गिफ्ट आया हुआ ये डिस्काउंट वाला ऑप्शन जिसमें मेरे 40 रुपये आया हुआ है तो आपको मैं वो आता है तो फिर आप तब क्या कीजिएगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको उसको करने के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको जो मोहन वाला ईमेल आईडी है ना उस मोहन वाला ईमेल आईडी को डिलीट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली जो बचेगा सोहन वाला तो सोहन वाला ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि सोहन वाला ईमेल आईडी सेलेक्ट हो जाने के बाद में क्या मेरा रिवार्ड रहेगा, तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ही रिवार्ड रहेगा ही रहेगा। तो अभी देख सकते हो मेरे यहाँ पर 40 रुपये का डिस्काउंट कूपन लगाया हूँ, तो 80 रुपये वाला डायमंड में या 40 रुपये में खरीद करके आपको दिखाने वाला हूँ, तो बहुत ही आसान तरीका से खरीदूंगा। यहाँ पर देख सकते हो मेरे 40 रुपया बच रहा है, समझ सकते हो 40 रुपया बच जा रहा है। यहाँ दोस्तों इस तरह से आपको रिवार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो चलिए आपको डिटेल में बताता हूँ किस तरह से रिवार्ड को परचेस करना है और आपको परचेस करके लाइव प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, और इसे अगर रिवार्ड अगर कहाँ से अप्लाई करना और कहाँ से अप्लाई नहीं कर रहे इसे बातों का हमको डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो पूरा देखिएगा। तो चलिए आपको ले चलता हूँ आपको असली टॉपअप वाले जगह पर। तो गाइज अब आपको ले चलता हूँ अपने यहाँ पर देख सकते हो मैं आ चुका 80 रुपये वाला डायमंड टॉपअप करने के लिए, तो 80 रुपये डायमंड टॉपअप मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ। और यहाँ पर जैसे ये मेरा ऑप्शन आता है ना उसके बाद देखिएगा आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, जो मेरा 40 रुपये का डिस्काउंट कूपन होगा ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों ऑटोमेटिकली अप्लाई, यहाँ पर देख सकते हो 40 रुपये क्रेडिट एंड गूगल यानी कि 40 रुपये ही मुझे पे करना पड़ेगा 80 रुपये का डायमंड परचेस करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको पेमेंट सेक्शन पर लेकर के चला जाता हूँ, जिससे मैं अभी 110 रुपये है इसे मैं यूज़ नहीं करूँगा, मैं अपना UPI यूज़ करूँगा और UPI यूज़ करने के बाद मैं उसी से पे करूँगा। देख सकते उसमें भी ये मेरा अप्लाई दिखा ही रहा है और यहाँ पर 40 रुपये पे करने का ऑप्शन आ रहा है। तो अब मैं इसे अगर ऑफ कर दूंगा, देखिए जो रिवार्ड का ऑप्शन आता है यहाँ पर सब इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, तो जैसे मैं 40
सकता ऑफ किया, यहाँ पर देख सकते हो 80 रुपये का पे का पूरा 80 का 80 रुपये मुझे पे करने बोल रहा है, तो मुझे 40 रुपये डिस्काउंट को यूज कर ही लेता हूँ तभी जा करके मुझे इसका रिवॉर्ड मिल पाएगा। तो यहाँ पर मैं इसका यूज कर चुका हूँ और यहाँ पर मैं इसे जब बाय वाले ऑप्शन पर टैप करूँगा या से बाय करूँगा तो ये मेरा कुछ पासवर्ड वासवर्ड मांग रहा है, तो मैं इसे जाकर यहाँ पर प्रोसेसिंग कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर देख सकते हो ये मुझे इतना कर देने के बाद ये मेरा ले गया है फोनपे पे जहाँ जो मैं यूज कर रहा हूँ UPI। तो आपको अगर गूगल पे यानी गूगल रिवॉर्ड यूज करना है, जैसे आपके यानी गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड यूज करते हैं, गूगल का रिडीम कोड से अगर परचेज करना चाहते हो तो आपको ये ज़्यादा प्रोसेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं UPI से यूज कर रहा हूँ इसी के लिए मुझे यहाँ पर UPI का यहाँ पर प्रोसेस करना पड़ रहा है, यानी UPI का पिन डालना पड़ रहा है और यहाँ पर अमाउंट भी डालना पड़ रहा है। तो अगर आपका में ये ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पर गूगल का रिवॉर्ड यानी कि रिडीम कोड से खरीदना चाहते हैं, आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो, आपने गूगल रिडीम कोड सेलेक्ट कीजिए उसके बाद यहाँ पर से परचेस कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर मेरा जो है तो यहाँ पर मैं इसमें से ही पे कर रहा हूँ उसके कारण मुझे ऐसे ऑप्शन यहाँ पर देखना आया, लेकिन आपको मैं ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं आएगा। यहाँ पर देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है मेरा और 40 रुपये ही पे करना पड़ा उसके लिए मुझे, और यहाँ पर से आप देखेगा तो ये मेरा पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पर मेरा रिवॉर्ड भी आ चुका है। अब मेरा यहाँ पर देख सकते होंगे पहले मेरे यहाँ पर 300 डायमंड थे, अब यहाँ पर 400 हो चुके हैं, अब इस तरह करके यहाँ पर 100 डायमंड मुझे यहाँ परचेज हो चुका है बहुत ही आसान तरीके से आपके आंखों के सामने। मैं 40 रुपये क्रेडिट करके बताया हूँ और 40 रुपये ही पे किया, जब मैं फोनपे से पे करा तो 40 रुपये ही पे किया था। तो यहाँ पर देख सकते होंगे बहुत ही आसान तरीके से आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताया होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।